15 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। क्या पैसा बनाने का यहाँ पर समय है, क्या आपके पैसे यहाँ पर आईपीओ में हो सकते हैं यहाँ पर डबल, क्योंकि वेक्टर का आईपीओ यहाँ पर आ रहा है, आप सबने जान ही लिया होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए, कैसी है कंपनी, कैसी है इसकी एनालिसिस करेंगे हम, यहाँ पर वैल्यूएशन निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद किसी भी आईपीओ का यहाँ पर प्राइस जज कर सकते हैं, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ 20 सेकंड में सिखाने वाला हूं कि वो आईपीओ कहां से कहां तक जा सकता है, आप कैसे जज कर सकते हैं और कितना लिस्टिंग गेन यहां पर एक्सपेक्टेड है इस आईपीओ में, और लगाएं आईपीओ में या नहीं लगाएं, सारी बड़ी बातें आज के वीडियो में जाने। तो नमस्कार, मैं अंकित और आप है मार्केट मास्टरो में। 15 दिसंबर तो क्या यहाँ पर चांस है पैसा बनाने का, लगातार यहाँ पर मार्केट में आईपीओ आ रहा है और 15 दिसंबर को भी यहाँ पर मिसेस वेक्टर का आईपीओ आ रहा है और आने वाले समय में आईआरएफसी का भी आईपीओ यहाँ पर आने वाला है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पर बूम होता है तो सब यहाँ पर लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, कैश अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप एक ट्रेंड देखोगे, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आईपीओ आता है, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई मार्केट पे आता है या वो बुल मार्केट पे आता है। वो तब आता है जब एक इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखता है, उसकी वैल्यूएशन को यहाँ पर नहीं देखता है। जब एक इन्वेस्टर कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी होता है, कोई भी शेयर परचेस करने के लिए, तब आईपीओ आता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मार्च से लेके जून जुलाई तक यहाँ पर एक भी आईपीओ बाजार में नहीं आया, नॉट अ सिंगल आईपीओ जो बाजार में आया। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंटिमेंट मार्केट का नीचे के तरफ था, इन्वेस्टर खरीदने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए जब भी आईपीओ आता है तो वो बड़े मार्केट में आता है, और जब बड़े मार्केट में आईपीओ आता है तो वो एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि यहां पर कंपनी कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा यहां पर पैसे लेकर आईपीओ को यहां पर देने में। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख रहा था, पिछले 6-7 महीने हुआ है इन्वेस्टिंग चालू करते हुए, उन्होंने यहां पर 5-10 आईपीओ में इन्वेस्ट किया और सारे के सारे पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ आईपीओ है, जिसके कारण से पोर्टफोलियो का गेन तो अच्छा है, लेकिन ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो, कि आज से 3 साल पहले जितने भी आईपीओ आए थे उसकी पोजीशन क्या है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने के साथ साथ आपको हर आईपीओ का एग्जिट प्लान पता होना चाहिए कि किस आईपीओ को आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, किस आईपीओ को आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और किस आईपीओ से आपको लिस्टिंग गेन के साथ यहां पर निकल जाना है। अगर वो इन्वेस्टर ऐसे ही आईपीओ को कंटिन्यू रखते अपने पोर्टफोलियो में, यही 5-10 और लगातार आईपीओ लेते चले जाते हैं, तो वो आज से 1-3 साल के बाद ये सारे के सारे शेयर डाइल्यूट हो जाएंगे, उनका रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए हर आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले, ये कोई नहीं बताता है, एंट्री से ज्यादा जरूरी एग्जिट प्लान होना। चलिए, काम की बात हो गई है, वेक्टर की बात करते हैं कि यहां पर क्या करने की जरूरत है आपको इस आईपीओ में, और कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर देखते हैं। और बेसिक डिटेल यहाँ पर यह है कि 15 तारीख को आईपीओ आ रहा है, 17 तारीख को आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और 286 रुपए यहाँ पर प्राइस रखा गया है आईपीओ का, एक शेयर का। यहाँ पर एक शेयर नहीं होता है आईपीओ में, आपको एक लॉट लेना पड़ता है, लॉट की साइज 50 शेयर है, यानी 15,000 के आसपास तकरीबन आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 650 शेयर ले सकते हैं, जो कि 1,90,000 के आसपास यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ पर रहता है 2 लाख से कम होना चाहिए। इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल अगर मैं बात करूँ जो आपको पता होना चाहिए, 22 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 23-24 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 28 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। ये मैं इसलिए डेट्स बताया है, इससे पहले हम यहाँ पर एनालिसिस शुरू करें, आपको लेना है नहीं लेना है, आपको यहाँ पर डेट्स पता होना चाहिए कि आईपीओ में कब चीज़ क्या होने वाला है। सबसे पहले ये कंपनी यहाँ पर करती क्या है तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, FMCG कंपनी है, FMCG यानी कि हम जो डेली कंज्यूम करते हैं, आप समझ लो वो वाली कंपनी यहाँ पर है। ये ज़्यादातर यहाँ पर ब्रेड बनाती है, बिस्कुट बनाती है, बंस जो हम खाते हैं वो यहाँ पर बनाती है, ये सारी चीज़, क्रीम, ये सारी चीज़ें। पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ और ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतना ईजी मार्केट नहीं है कि आके यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट कर दे, और सिर्फ 1% का मार्केट शेयर ये यहाँ पर होल्ड करती है बिस्किट बनाने में, यानी सिर्फ 1% का डोमिनेंस है, बाकी यहाँ पर आप
कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अच्छा चीज क्या है, अच्छा चीज ये है कि जो हम यहाँ पर खाते हैं, जैसे आप देखोगे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, ये सारी जगह जो है यहाँ पर, पिज्जा हट हो गया, ये सारी जगह जो यहाँ पर जो जल्दी सर्विस देते हैं रेस्टोरेंट, वहां पर जो बन है रेडीमेड बन वो यहाँ पर खुद बना के प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर ये अच्छा बिजनेस और कस्टमर को कैप्चर करके रखे कि आपके पास जाएगा तो हमारे से यहां पर जाएगा, ना कि ये फोकस करते हैं कि कस्टमर को सेल करने के लिए, ये अपने एक लिमिटेड कस्टमर बनाए हुए हैं, तो ये बात आप यहां पर ध्यान में रखें। इससे पहले मैं आपको बताऊं भाई आईपीओ कहां से कहां तक जा सकता है और कितना पैसा आप यहां पर बना सकते हो और क्या यहां पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, बहुत सारे नए लोग हमारे साथ आते हैं कि भाई आईपीओ में अप्लाई कैसे करें, तो देखिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, उससे भी पहले देखिए आईपीओ में अगर आप यहां पर ठीक तरीके से अप्लाई करते हो, साल का 1 से 4 लाख बड़े आसानी के साथ यहां पर बना सकते हो, सिर्फ 15,000 का एक लॉट यहां पर आता है, और जब लिस्टिंग होती है तो ज्यादातर आईपीओ की यहां पर 40-50% ऊपर होती है, यानी 8,000 पर लॉट आप बड़े आसानी के साथ बना सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको चाहिए इसके लिए डीमैट अकाउंट के थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आजकल ऑनलाइन 10 मिनट में खुल जाता है, आप वो खुला लीजिए। नहीं पता कैसे करना है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाइए, सिर्फ अपना फोन नंबर डाल के छोड़ दीजिए, मेरी टीम हेल्प कर देगी, जीरोधा की टीम हेल्प कर देगी आपका डीमैट अकाउंट खुलाने में, और सिर्फ 10-15 मिनट में आप डीमैट अकाउंट खुला के आईपीओ में बड़े आसानी के साथ यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक नहीं, यहां पर कोशिश करें कि आपके फैमिली में सबके पास एक एक डीमैट अकाउंट हो, क्योंकि एक एक लॉट ही आपको यहां पर अप्लाई करना है। ज्यादा लॉट से अप्लाई करेंगे तो आप एक ही डीमैट अकाउंट से ज्यादा लॉट अप्लाई करेंगे तो नहीं लगता है, इससे अच्छा है कि अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट से अलग अलग आईपीओ यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करें, तो पूरे फैमिली का डीमैट अकाउंट यहां पर होना चाहिए। और आजकल तो यहाँ पर फ्री भी आ गया, अगर आपको दिक्कत है कि इतने सारे डीमैट अकाउंट हम खुलाएंगे तो बहुत ही पैसे देने पड़ेंगे, तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुला सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाइए आप यहाँ पर फ्री वाले में जाकर फ्री डीमैट अकाउंट खुला लीजिए और उससे आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए, जो आईपीओ का पैसा आता है उसे आप यहाँ पर वापस बैंक में रख लीजिए, तो वो तो बिल्कुल फ्री हो गया यहाँ पर, और चाहे तो आप जीरोधा का भी खुला सकते हैं, दोनों की बेस्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब अपन वैल्यूएशन निकाले, इससे पहले इसकी एनालिसिस देखते हैं कि किस प्रकार से ये शेयर यहाँ पर रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे नीचे पैट, मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ प्रॉफिट पे यहाँ पर, कि कंपनी प्रॉफिट बनाती भी है कि नहीं बनाती है, तो आप देखोगे 2018 में आपको दिखेगा 358 का, फिर 19 में हो गया 331 का, यानी थोड़ा सा कम हुआ है, 20 में देखोगे तो 304 है और सितंबर में 388 है, तो यहाँ पर जो 388 आपको दिख रहा है 6 महीने का, ये यहाँ पर लॉकडाउन के कारण हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में जो ईटिंग हैबिट्स है लोगों की वो यहाँ पर बदली है। अगर आप ध्यान से ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे 18, 19, 20 का, तो कंसिस्टेंट है, मतलब कि ये अपने कस्टमर को होल्ड किए हुए हैं, अगर नए ऐड नहीं कर रहे हैं तो पुराने भी नहीं छोड़ रहे हैं, कंसिस्टेंट बनाए हुए हैं, कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, और कोई भी बूम हमें यहाँ पर इनके एनालिसिस में फिलहाल तो नहीं। लिस्टिंग गेन की बारे में बात करें या आगे और यहाँ पर बात करें कि कहाँ तक जा सकता है शेयर, क्या है, उससे पहले एक बेसिक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये शेयर का कंपैरिजन किस प्रकार से है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मिसेज बैक्टर का जो EPS है वो 5.31 है, आस्किंग प्राइस यहाँ पर 286 का है, तो क्या भाव डिमांड कर रहा है, यानी क्या PE डिमांड कर रहा है, तो PE देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जो PE है वो यहाँ पर 286 प्राइस को मैं डिवाइड करता हूँ EPS से 5.31, 53.86 आस्किंग PE है 54 का। अगर आप देखोगे FMCG सेक्टर, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे 54 बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखिए FMCG सेक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा PE ज़्यादा ही यहाँ पर आता है, अगर आप नेस्ले वेस्ले का भी देखोगे तो 80 के आसपास है, यहाँ पर ब्रिटानिया का भी 50-60 के आसपास है, तो अच्छा PE यहाँ पर रहता है, एक एवरेज PE अगर आप FMCG सेक्टर का देखोगे तो मेरे हिसाब से 50 के आसपास आना चाहिए, और आपसे जो आस्क कर रहा है यहाँ पर ये शेयर वो भी आपको लगभग 54 का आस्क कर रहा है, थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा आस्क यहाँ पर कर रहा है, वो तो यहाँ पर होना ही होना था। अब यहाँ पर जज करते हैं कि शेयर में डेविएशन कितना है। देखिए बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग आईपीओ के बारे में बताते हैं ले लो नहीं लो फलाना ढिमका, लेकिन कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं बताते कि शेयर में डेविएशन कितना है।
डेविएशन यानी कम से कम कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि जब वो शेयर अपने पोजीशन में आए कि वो ज्यादा से ज्यादा जा चुका है तब आप अपनी प्रॉफिट बुक करके वहां से खाली हो जाए, या वो शेयर यहां पर कम से कम आ चुका है तो आप उसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करें क्योंकि उससे ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं रहते। तो ये चीज कोई भी आईपीओ एनालिसिस करता है मैं तो कहूंगा उसे ये चीज जरूर बताना चाहिए। और मेरा काम तो आपको बताना नहीं है, मेरा काम तो आपको सिखाना भी है ताकि आप यहां पर सीख सको। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं और सिर्फ 20 सेकंड में सिखा दूंगा कि कैसे मैं यहां पर करता हूं और आप भी यहां पर कर सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेटर। तो देखिए मैं यहां पर किस प्रकार से करता हूं। सबसे पहले अपन को चाहिए यहां पर इस शेयर का ईपीएस अर्निंग। तो अर्निंग है 5.31, आस्किंग प्राइस आपको पता है यहां पर वो है 286 का, एवरेज मैंने आपको बताया एवरेज पी जो है यहां पर एफएमसीजी का वो 50 के आसपास है, ज्यादा से ज्यादा 90 है, कम से कम 40 है क्योंकि उससे कम तो मैं देखा नहीं कि एफएमसीजी में यहां पर पी उससे नीचे आपको मिल जाए। तो चलिए मैं आपको एक सिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से आप डेविएशन निकाल सकते हैं शेयर का। तो यहां पर कैलकुलेटर में आते हैं अपन, तो आपको यहाँ पर देखना है, बस यहाँ पर लिखना है 40 जो कि कम से कम है और 5.31 EPS से, तो 212 तक यहाँ पर ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर सकता है ऐसा अनुमान है। 50 एक एवरेज प्राइस है यानी 250 के प्राइस पे ये एक एवरेज औसतन प्राइस है इसका, 286 डिमांड कर रहे हैं ठीक है चलता है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर 70 तक जा सकता है यानी 70 × 5 अगर करोगे इसका EPS तो 350 के आसपास आता है। 90 अगर चला गया तो 450 का यहाँ पर मैक्सिमम इसका यहाँ पर प्राइस रहेगा कि ये 450 पे जाने के बाद यहाँ पर अटकेगा शेयर, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अब ये 90 का पी मैंने क्यों लिया है क्योंकि अगर आप देखोगे कि नेस्ले ब्रिटानिया ये सब बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, ये उतना बड़ा शेयर नहीं है, तो ये पी इसका जो ज़्यादा थोड़ा सा भाग सकता है इस कंपैरिजन टू अगर आप देखोगे ये नेस्ले वाले शेयर से, तो ये थोड़ा ज़्यादा पी पे जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 भी चला जाता है तो 100 और EPS इनका 5.31 है यानी 531 रुपये इसका आखिर प्राइस होगा, उसके आसपास आता है तो आपको तेज़ी के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो डेविएशन जो हमें समझ में आया है वो है यहाँ पर 200 रुपये कम से कम, 250 रुपये एवरेज आपसे मांग रहा है 286 और ज्यादा से ज्यादा ये जा सकता है यहाँ पर 531-530 के आसपास। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है यानी कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, किस भाव पे करेंटली यहाँ पर चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है लिस्ट होने का, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अनलिस्टेड मार्केट में, तो अनलिस्टेड मार्केट में ये तकरीबन 45% के प्रीमियम पे यहाँ पर चल रहा है यानी कि यहाँ पर 418 रुपये के आसपास अनुमान है कि यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो अगर आप लॉट वाइज के हिसाब से देखोगे कि आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। लगभग 15,000 का है, लगभग आपको यहाँ पर 15,000 पे 4,000 से 8,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। और अगर 418 के यहाँ पर प्राइस पे खुलता है तो इसका पी काफी ज्यादा ऊपर रहने वाला है खुलते ही साथ। अब फाइनली आपको यहां पर क्या करने की जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। सारी चीजें तो हमने यहां पर जान ली। सबसे पहले आप यहां पर याद रखो अगर लिस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो देखिए लिस्टिंग गेन टोटली डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट पे। जो जीएमपी है, जो ग्रे मार्केट है, वो बहुत ही तेज यहां पर बदल जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मार्केट का सेंटिमेंट उस टाइम पे यहां पर क्या चल रहा है उस पर काफी ज्यादा यहां पर डिपेंड करेगा। क्या ओपिनियन है तो देखिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छोटा शेयर है तो आप ये छोटा शेयर सोच के ये फोकस करें कि अगर कुछ प्रॉफिट मिलता है आपको, लिस्टिंग गेन मिलता है अप्लाई होने के बाद, यहाँ पर मैंने जो रेंजेस बताए हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वहाँ पर आता है तो आप उसे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लिस्ट होने के बाद नीचे आता है तो आप इसे यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आईपीओ में ज़बरदस्त तरीके से पैसा लगाते हैं लिस्ट होने के बाद में, तो ये चीज़ आपके फोकस में ज़रूर से होना चाहिए। और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम प्राइस के आसपास आता है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और लिस्टिंग गेन कुछ आपको मिलता है तो सबसे पहले तो आपको 50% अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि आप उस पैसे को अगले आईपीओ में यहाँ पर लगा सके। और हमेशा याद रखें आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शेयर में आपको लॉन्ग पोजिशन बनानी है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था एग्जिट प्लान इज मस्ट, तो मैं आपको अपना बताता हूँ। जैसे इतने सारे आईपीओ आए और गए और इतने सारे आईपीओ में पैसा लगाए और पैसा हम यहाँ पर निकाल दिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, तो लेकिन उसके बीच में हमने जो आईपीओ होल्ड किए आप सुनिए तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। हमने मेजगॉन होल्ड करके रखा हूँ, हमने IRCTC अभी तक होल्ड किया है, 320 में IRCTC लिया है 320 में आईपीओ में। इसके साथ अगर आप देखोगे
होंगे, HDFC AMC मेरा IPO का है वो अभी होल्ड करके रखा हुआ हूँ, आने वाला भी आपको बता देता हूँ। देखिए IRFC है, अच्छा है, उसे भी आप लॉन्ग करके होल्ड कर सकते हो। बाकी बीच में ये जो छोटे छोटे IPO आते हैं जिसमें आपको लगता है कि अच्छा GMP है, अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स है इन्वेस्टर का, वहाँ पर आप लगा दीजिए और तुरंत यहां पर एग्जिट कर दे। उन छोटे शेयर्स को लॉन्ग करने की कोशिश ना करें क्योंकि बाद में जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये था मेरा ओपिनियन यहां पर वेक्टर के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे यहां पर कमेंट करके बताएं। अच्छा, यहां पर डीमैट अकाउंट खुलाना ना भूलें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि साल में आप बड़े आसानी के साथ 1 से 4 लाख बना सकते हैं अगर आप IPO में सही तरह से और सही टेक्निक से अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो। अपने साथ फैमिली का भी खुला है जैसा कि मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और कमेंट में भी यहाँ पर लिंक दे दी है ताकि आप यहाँ पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सके। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लिए लाइक कमेंट करके बताइए आप अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले हैं, मैं तो यहाँ पर सोच रहा हूँ। इसके साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे जल्दी।